की जरूरत पड़ेगी देश को, तो ITBP हमेशा उसके लिए तत्परता से और विद फुल सिंसियरिटी और डेडिकेशन से इसी तरह देश सेवा में आप काम करते रहेंगे। श्री सुरजीत सिंह देसवाल 1984 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं। ITBP में आपने 30वें बल प्रमुख के तौर पर 31 अक्टूबर 2018 को कार्यभार संभाला। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2018 को हरसिल उत्तराखंड में आपकी उपस्थिति में हिमवीरों के साथ दिवाली मनाई और जवानों को शुभकामनाएं दी। श्री अमित शाह माननीय गृह मंत्री ने फोर्स हेडक्वार्टर में ITBP की क्षमताओं का निरीक्षण कर बल का मनोबल बढ़ाया। आपके मार्गदर्शन में ITBP की सीमा पर तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए 47 नई बॉर्डर आउटपोस्टों और 12 स्टेजिंग कैंपों को सरकार से स्वीकृति मिली। आपके प्रयासों से बल के बहुप्रतीक्षित कैडर रिव्यू को स्वीकृति मिली और पदाधिकारियों ने नए रैंक धारण किए। आपके कार्यकाल में ITBP में वेस्टर्न और ईस्टर्न दो नई कमांड्स की स्थापना की गई। आपके कार्यकाल के दौरान इंडो चाइना बॉर्डर रोड का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में ITBP के जवानों की भूमिका को काफी सराहा गया। आपने स्वयं लद्दाख पोस्ट पर जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया और जवानों को DG इंसिग्निया से सम्मानित किया। यह भी पहली बार हुआ है कि भारत चीन सीमा सुरक्षा के लिए ITBP के 20 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आपके निर्देशन में ITBP में पहली बार सॉफ्टवेयर आधारित ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य जवानों के अति दुर्गम, दुर्गम और सुगम तैनाती स्थानों में रोटेशन करना है। बल में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आपके निर्देशन में खादी ग्राम उद्योग के साथ खादी से बनी सामग्री की आपूर्ति करने के लिए करार किया गया। DSPT के निष्क्रिय हो जाने के बाद आपके मार्गदर्शन में VSAT सुविधा की स्थापना की गई, ताकि जवान अग्रिम पोस्टों से भी अपने परिवारों से वॉइस कॉल और इंटरनेट के माध्यम से संपर्क साध सकें। आपके मार्गदर्शन में ITBP के हिमवीरों ने जून 2019 में नंदा देवी पर्वत पर मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन डेयर डेविल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे जाबाजों ने ब्रिटेन के 4 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला और 7 पर्वतारोहियों के शव कठिन एल्टीट्यूड से निकालकर प्रशासन को ससम्मान सुपुर्द किए। Fully motivated and they were confident in themselves to achieve this and they achieved it. आपके मार्गदर्शन में ITBP के जवानों ने फरवरी 2020 में उत्तराखंड के तपोवन में अचानक आई बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया। ITBP ने कोरोना के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। आपकी प्रेरणा से ITBP ने कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाला और इसे ऑपरेशन कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया। विदेशों में फंसे भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को देश में लाने व उनके इलाज के लिए ITBP द्वारा छावला कैंप में 1000 बेड की क्षमता वाला क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया गया। 42 विदेशी नागरिकों समेत कुल 1200 नागरिकों का इस केंद्र में क्वारंटाइन किया गया। तो 2 दिन तक उस कैंप में रखेंगे, जो नेगेटिव आएंगे वो तो इस प्रेजेंट कैंप में भेजेंगे, जो पॉजिटिव आएंगे वो ऑरेंज शूट में ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। आपके मार्गदर्शन में ITBP रेफरल अस्पताल ग्रेटर नोएडा को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण इस अस्पताल को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मिकों के परिवारों के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया गया। आपके निर्देशों से ITBP द्वारा दुनिया के सबसे बड़े 10,000 बेड की क्षमता वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी व्यास छतरपुर नई दिल्ली की स्थापना की गई। इस सेंटर में कोरोना की पहली लहर में 12,000 और दूसरी लहर में 1,350 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया।
आपने बल में फिट इंडिया अभियान को सार्थक बनाने के लिए विशेष पहल की। आपके नेतृत्व में हिमालय की विभिन्न ऊंचाइयों से लेकर समुद्र तटों और राजस्थान में 100 किलोमीटर और फिर 200 किलोमीटर का वॉकेथॉन आयोजित किया गया। आपकी पहल के कारण सभी रैंक के कोर्सों में फिटनेस पर विशेष बल देते हुए कई बदलाव किए गए। आपकी खेल के प्रति विशिष्ट नीति का नतीजा है कि बल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भर्ती किया जा रहा है। आईटीबीपी ने 2019 और 2021 में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीत हासिल की। इसके अलावा आपके कार्यकाल में भी आईटीबीपी की वुशु टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। आपकी पहल से आईटीबीपी ने उत्तराखंड सरकार की मदद से टिहरी झील में वाटर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो बल के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है। आईटीबीपी का एडहॉक पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र अपने संसाधनों द्वारा दोबांग उत्तरी सिक्किम में स्थापित किया गया। इसके साथ ही एक एडहॉक स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र की रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। आपकी प्रेरणा से आईटीबीपी की 6 दशकों के इतिहास को संजोती हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी का प्रकाशन किया गया। इस किताब में बल के विकास और ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो बल के लिए अमूल्य धरोहर है। आपके द्वारा बल प्रमुख के तौर पर आईटीबीपी में पदभार संभालने के बाद अन्य बल एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनएसजी के प्रमुख के रूप में भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जिसे आपने बखूबी निभाया। आपके निर्देशन में आईटीबीपी के जवानों में एक नया आत्मविश्वास आया है। आईटीबीपी बल परिवार आपके बेहतर स्वास्थ्य और जीवन की कामना करता है। जय हिंद।